रहीम, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी जिंगर बर्गर KFC स्टाइल का। तो हमें ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। हम लोगों ने जो है चिकन ले लिया हाफ ब्रेस्ट पीस, और अब सबसे पहले हमने एक मग दही डालना है। दही को हम लोगों ने फेंट के बहुत पतला कर लिया है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून ही हम लोगों ने अदरक पाउडर डाल देना है, 1 टेबलस्पून जो है हम लोगों ने ब्लैक पेपर डाल देनी है, 1 टेबलस्पून हम लोगों ने जो है रेड चिली पाउडर डाल देना है, 1 टेबलस्पून ही हम लोगों ने सॉल्ट का डाल देना है, और एंड पे हम लोगों ने 1 टीस्पून ओरिगैनो डालनी है, ओरिगैनो लीव्स। अब हमने जो है वो जिंगर जो हमारा चिकन है उसका हम लोगों ने मैरिनेट कर लिया है, जो उसका मसाला हमने तैयार करना था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सबसे पहले अब हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने हाफ ब्रेस्ट पीस चिकन लेके उसके पीसेस करके उसको जो है हम लोगों ने पंच कर लिया है, जिस तरह से आप लोग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, किसी बेलने से या फिर आपके पास अगर कोई पंच हो तो। अब हमने हमारा जो चिकन है इसके अंदर ऐड कर देना है। मैक्सिमम आप लोगों ने जो है 2 से 3 घंटे ज़रूर आप लोगों ने मैरिनेट करके रखना है चिकन, ताकि जो मसाला है उसका टेस्ट अच्छा आए। मैं भी अभी 2-3 घंटे बाद ही तैयार करूँगी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हमारा इस तरह ये होता है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब हम लोग जो है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब जो हमारा चिकन है वो हमने मैरिनेट कर लिया है। अब हम लोगों ने इसको फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कम आपने नहीं करना, क्योंकि मसाला नहीं होगा वरना चिकन के साथ मैरिनेट। 2 घंटे बाद जो है हमने हमारा मैरिनेट चिकन जो है वो निकाल लिया है। रहीम, आप देख सकते हैं हमने 3 अंडे ले लिए हैं। हम लोगों ने ये जिंगर बर्गर की कोटिंग के लिए लिए हैं। अब इसके अंदर हमने 1 कप दूध डाल देना है, और अब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंकना है। अब हम आपको मैदे की कोटिंग बता देते हैं कि आपने मैदा किस तरह से बनाना है। रहीम, अब हमने जो है बर्गर की कोटिंग के लिए, जो आपको बिल्कुल जिंगर बर्गर का टेस्ट देगी KFC वाला, उसके लिए हम लोगों ने जो है मैदा ले लिया है 2 मग। उसके अलावा हम लोगों ने 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। उसके अलावा हम लोगों ने 4 टेबलस्पून हम लोगों ने राइस फ्लोर ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने राइस फ्लोर डाल देना है हमारे फ्लोर के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारे एसेंशियल्स हैं, चिली पाउडर, सॉल्ट, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और ब्लैक पेपर डालकर इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैदा है और ये दूध वाला तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो हमारा पीस है ये जिंगर को हमने लगा लिया है मसाला। अब हमने मैदे में डालना है, इसे मैदे में अच्छे तरीके से कोट करना है। अब हमने इसको अंडे के अंदर कोट कर कर अच्छे तरीके से अंडे को लगाना है। उसके बाद दोबारा हमने इसको मैदे के अंदर डालना है और अच्छे तरीके से इसको दुबाना है, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से जो है झाड़ना है। इस तरीके से आपने इसको दुबा लेना है, अच्छे तरीके से दुबाई जाना है, और उसके बाद आपने इसको जो है झाड़ना है। झाड़ना बहुत ज़ोर से है ताकि जो उसके ऊपर स्प्रिंकल्स हैं वो आ जाएं। उसी से आपको पता लगेगा कि आपका जो जिंगर पीस है वो होगा क्रिस्पी, आप देख सकते हैं। हमने जो ऑयल था वो उसकी कोटिंग करने से पहले ही रख दिया हुआ था गर्म होने। अब हम डाल देंगे हमारा जिंगर बर्गर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसके अंदर चमचा नहीं हिलाना, एक साइड से अच्छे तरीके से बनने देना है, और फिर जब वो बन जाएगा उसके बाद आपने उसकी साइड चेंज करनी है। एक और हम इसके अंदर डाल देंगे।
रेडी होता है तब तक हम आपको सॉस बनाना सिखा देते हैं इसकी। रहीम, अब जब तक हमारे जो जिंगर हैं वो तैयार होते हैं, हम जो हमारे बर्गर्स हैं उनको गर्म कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी बर्गर सॉस। दो तरह की सॉस बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हमने मायोनीज ले ली है और ये हम लोगों ने पिकल ले लिए हैं। पिकल की रेसिपी मैं आपको अगली रेसिपी में बता दूंगी कि आप लोग घर में इजीली किस तरह बना सकते हैं। तो पिकल हम लोगों ने जो थे 4 लेकर उसको कद्दूकश कर लिए। अब जो है 1 पिंच सॉल्ट है और 1 पिंच ही हम लोगों ने ब्लैक पेपर ले लिया है। एक एक चुटकी हम लोगों ने दो चीज़ें ली हैं। अब हम लोगों ने जो है इसको मिक्स कर लेना है। मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। और ये जो आप देख सकते हैं हमारी जो सॉस है वो तैयार हो चुकी हुई है बर्गर के लिए। अब हम आपको दूसरी सॉस बनाना सिखाते हैं। ये सॉस जो है ये तैयार हो चुकी है। रहीम, अब हमें दूसरी सॉस के लिए जो है 2 टेबलस्पून हम लोगों ने मायोनीज ले लिया। अब हमने इसके अंदर चिली सॉस डालनी है। 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर जो है मस्टर्ड सॉस डाल देंगे। मस्टर्ड सॉस डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ही सारा टेस्ट आता है बर्गर में, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। ये आप देख सकते हैं। और अब हमने इसके अंदर जो है वो डाल लेनी है चिली सॉस। अंदाजन आप डाल लीजिए कि आप कितना टेस्ट ले सकते हैं। अब हमें जो है इसको मिक्स कर लेना है। जैसे कि मैंने इसको मिक्स कर लिया, हमारी दूसरी सॉस भी तैयार हो चुकी है। माने रहीम, अब हमारा जो हमने पैन ले लिया और अब हम इसके अंदर जो है हमारे बंस को गर्म कर लेंगे। माने रहीम, हमारे जो बर्गर हैं वो बिल्कुल जो है हमने उसको गर्म कर लिया बंस को। मैंने हमारे पैन के अंदर जो जिंगर का पीस रखना है और ऊपर आप कोई भी चीज़ का स्लाइस, मेरे पास स्लाइसेस अवेलेबल नहीं थे इस टाइम, तो मैंने ऊपर से फ्रीजर में रखी हुई थी चीज़, तो मैंने इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं। जिस तरह से काटे गए हैं हमने इसको पीसेस को जो है वो हमारे जिंगर के ऊपर रखना है इस तरीके से, और ऊपर से जो हम लोगों ने इसको कवर कर देना है। आप 2 से 3 मिनट तक इसको कवर करके पकाइए ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। मेरे उसके ऊपर जो चीज़ है हमारी वो फ्राई वो हो चुकी हुई है मेल्ट। तो अब हम आपको बर्गर बनाना सिखाएंगे। अब जो है हम लोगों ने ये बर्गर का एक लेना है बन पूरा, और सबसे पहले जो हमारी सॉसेज हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी सॉस है हमने ये वाली इसके ऊपर लगानी है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्प्रेड करनी है सॉस, क्योंकि ये सॉसेज का ही टेस्ट आएगा आपको बर्गर का। ये आप देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से सॉस को जो है वो पूरे बर्गर के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। एक जो सॉस है वो मैंने पूरे बर्गर के बन के ऊपर स्प्रेड कर ली है। अब ये रेडी हो चुका है। अब हमने जो दूसरी सॉस है ये आप देखिए, जो हमने पिकल से और उससे बनाई थी वो हमने इसके ऊपर लगानी है और उसको भी बन के ऊपर जो है वो स्प्रेड करना है। ये देखिए, तो ये सॉस लग चुकी हुई है। अब हमने हमारा जो चिकन पीस है वो इसके अंदर रख कर ऊपर में चीज़ का स्लाइसेस, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से चीज़ रखी है,
और ये आप देख सकते हैं हमारा बर्गर तैयार हो चुका है। एक और दफ़ा मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आप चाहें तो आप इस दफ़ा मैं ये वाली जो पेस्ट है हमारी वो नीचे लगा लूँगी बन के ऊपर, और उसके बाद जो है ऊपर दूसरी वाली सॉस लगा लेंगे हम। ये देख लीजिए आप, अब हमने जो है दूसरी सॉस इसके ऊपर लगा देनी है। अब हमने इसको भी स्प्रेड कर देना है पूरे बन के ऊपर। इस बर्गर का टेस्ट आपको KFC जैसा ही लगेगा, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप लोग घर में ट्राई करें। तो अब मैंने जो है वो इसके अंदर चिकन जिंगर पीस रख देने हैं। ये देख लीजिए चीज़, एक मेरा बेटा नहीं खाता चीज़, तो इस वजह से चीज़ नहीं रखी है। अब आप देख लीजिए हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम इसके अंदर रखेंगे चिप्स। हमारा जो बर्गर है वो तैयार हो चुका है।